बिहार की राजनीति में नए गुल खिल रहे हैं और नीतीश कुमार फिर भी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। सत्ता गई, सीएम पद से इस्तीफा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद वो चिंता मुक्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ दिन के अंतराल पर वो फिर से सीएम पद के सिंहासन पर तशरीफ रखेंगे। फर्क बस इतना होगा कि इस बार सीएम बनने के लिए सहयोग आरजेडी से मिलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में आए इस बड़े बवंडर को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दो साल के भीतर ही सरकार ढह गई, और ऐसी क्या नौबत आई कि नीतीश कुमार को एनडीए से ही रुख्सत लेना पड़ा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब टटोले जा रहे हैं। इस बीच अचानक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान गूंज उठा है। अपने उस बयान में जेपी नड्डा ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे जेडीयू बीजेपी के इस ब्रेक के कुछ बड़े कारणों में से एक माना जा रहा है। दरअसल जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दलों को लेकर कहा था कि आने वाले समय में केवल बीजेपी ही रह जाएगी, जबकि बाकी सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। हम राजनीति को समझें। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पर कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल कमिटमेंट विथ रीजनल एस्पिरेशंस, विविधता में एकता, ये नारा नहीं था ऐसी, ये ऐसे नहीं था कि मुंह से निकल गया, ये सोचा समझा, यूनिटी अमंग डायवर्सिटी। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेगा, और एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेगा, तो उसी लड़ाई को 52 से लड़ते लड़ते, 51 से लड़ते लड़ते 2020 में 5 अगस्त 370 को धाराशाही किया है। ये विचारधारा कोई पार्टी नहीं, और एक देश में अब एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बन गया। तो ये विचारों से जुड़ी हुई पार्टी जिसके कारण से ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। जिन कांग्रेस पार्टी ने कभी रीजनल एस्पिरेशंस को समझा नहीं, इसलिए साउथ में होते हुए भी उखड़ गए, केरला में उखड़ रहे हैं, कर्नाटक में कमजोर हो गए, तमिलनाडु से तो बहुत पहले चले गए, आंध्र में उखड़ गए, तेलंगाना में उखड़ गए, ये सब कांग्रेस की जगह थी। दे कुड नेवर अंडरस्टैंड द रीजनल एस्पिरेशन। जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी अपनी विचारधारा में ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और केवल बीजेपी बचेगी। चर्चाएं हैं कि जेपी नड्डा के ऐसे बयान से ही नीतीश कुमार का मन बीजेपी से पूरी तरह हट गया होगा। अब जबकि जेडीयू और बीजेपी की राहें जुदा हो चुकी हैं, तो आरजेडी और जेडीयू के बीच नए गुल खिलने लगे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो जिस पार्टी के साथ रही है उसे पहले खत्म कर देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का बिहार में भी कुछ ऐसा ही प्लान था। जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि नड्डा सिर्फ क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात नहीं कह रहे थे, बल्कि वो देश के संविधान को भी खत्म करने की बात कह रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।